नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दिसंबर का महीना शुरू होते ही कपकपाने वाली ठंड पड़ने लगती है। ऐसे में हम सबको मन में यह सवाल कौंधने लगता है कि कैसे अपने आप को ठंड से बचाकर रखें। शरीर को गर्म रखने के लिए हम क्या कुछ उपाय नहीं करते, इसके लिए लोग गर्म चीजों का सेवन भी करते हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थ जो शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं उनका सेवन भी लोग खूब करते हैं। ठंड के मौसम में यह भी देखा गया है कि लोगों की इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। यही कारण होता है कि सर्दियों में कई लोग खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोरोना का कालखंड चल रहा है और तबीयत खराब होने पर मन में कई तरह की शंकाएं होने लगती हैं। हालांकि ऐसे समय में इस तरह की शंका लाजमी भी है जब कोरोना का लक्षण भी नॉर्मल फ्लू से मिलता जुलता है। ऐसी स्थिति में अपने खान पान को लेकर सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। इस कड़ी में कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो लोगों को संक्रमण से बचाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हेल्दी सूप के बारे में जो न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं बल्कि ठंड में हमारे शरीर को गर्मी भी प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स्ड वेजिटेबल सूप के बारे में। हरी सब्जियां कई विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के से भरपूर होती हैं। यही नहीं, हरी सब्जियों में मिनरल्स और फाइबर्स भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हरी सब्जियों से बने सूप इम्यूनिटी को बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में सरल और सर्वोत्तम उपायों में से एक माने जाते हैं। इसलिए लोगों को रोज वेजिटेबल सूप का सेवन करना चाहिए। बीन्स, ब्रोकली, पत्ता गोभी, पालक, मटर, गोभी, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज जैसी अपनी मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सूप बना सकते हैं। इसमें जीरा और करी पत्ता मिला देने से गले में खराश की समस्या खत्म हो जाती है और साथ ही स्वाद भी भरपूर मिलता है। अब हम बात करेंगे गाजर और अदरक के सूप के बारे में। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। इसके सेवन से सर्दी, जुकाम और बलगम की परेशानी से निजात मिलती है। वहीं गाजर में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो इन्फेक्शन को दूर रखने में सहायक होता है। इससे बना सूप शरीर को गर्मी प्रदान करता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। अब हम जानेंगे नारियल और मूंग दाल का कैसे सूप बनाएं और ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में हमारी किस तरह सहायता करते हैं। नारियल और मूंग दाल दोनों ही खाद्य पदार्थ को इम्यूनिटी बूस्टर खाद्य पदार्थ में शामिल किया जाता है। मूंग दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो आपको काफ़ी समय तक भूख महसूस नहीं होने देता और संतुष्ट रखता है। वहीं नारियल को मिनरल्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इस सूप में हल्दी, लौंग और काली मिर्च मिलाने से स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सूप और भी अधिक फायदेमंद हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। हालांकि ये सूप आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में कितना कारगर है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि इस तरह के सूप का सेवन करने से पहले हेल्थ एक्सपर्ट से जरूर सलाह ले लें। अगर इस संबंध में आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।